हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई एम अरविंद कुमार सिंह, योर जीके टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्लास 2, सब्जेक्ट जीके, लेक्चर 5। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। बच्चों, आज का आपका चैप्टर है फल और सब्जियां। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बुक खोलते हैं। ये हुआ आपका बुक, क्या गौर से देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें आप देखेंगे कि कुछ फल और कुछ सब्जी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। कुछ फल और सब्जी की तस्वीर यहाँ पर दी हुई है, जिसके बारे में आज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, रीड द क्लू एंड आइडेंटिफाई द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रीड द क्लू, इशारों को पढ़ें और आइडेंटिफाई द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और फलों और सब्जियों को पहचानें, उसकी पहचान करें। राइट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल, और जो यहाँ पे सर्कल दी हुई है, इस सर्कल में क्या करनी है आपको, करेक्ट नंबर को लिखनी है। करेक्ट नंबर यानी इस बॉक्स में देखें, इस बॉक्स को गौर से देखें। इस बॉक्स में आपको सब्जी और फल के कुछ नाम लिखे हुए हैं, जो जैसे एक नंबर में आप देखेंगे पोटैटो, दो नंबर में देखेंगे स्ट्रॉबेरी, तीन नंबर में देखेंगे, यहाँ गौर से देखें, कॉलीफ्लावर, चार नंबर में मैंगो, पाँच नंबर में लेडी फिंगर, छः नंबर में लेमन, सात नंबर में देखें कैरोट, आठ नंबर आप देखें एप्पल, नौ नंबर ब्रिंजाल और दस नंबर ऑरेंज। फल और सब्जी के नाम इस बॉक्स में दिए हुए हैं, जो 1 से लेके 10 तक के नंबरिंग में है। आपको इन्हीं नंबरिंग को इस सर्कल के अंदर में लिख देनी है। कैसे लिखेंगे, तो इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये सेंटेंस फल या सब्जी किसके तरफ इशारा कर रहा है, उसको उस वर्ड को, उस फल या सब्जी के नंबरिंग को आप इस सर्कल के अंदर लिखेंगे। यही आपके चैप्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बच्चों आपको आज पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आई एम द किंग ऑफ द फ्रूट, आई एम द किंग ऑफ द फ्रूट, मैं फलों का राजा हूँ, मैं फलों का राजा हूँ। ये सेंटेंस जो है सो कह रहा है, तो मैं फलों का राजा हूँ, इस सेंटेंस में किस फल के तरफ इशारा कर रहा है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि फलों की राजा मैंगो, आम को हम लोग फलों की राजा कहते हैं। ठीक है, तो अब बॉक्स में देखते हैं कि मैंगो है कि नहीं। अगर मैंगो है तो मैंगो की नंबरिंग क्या है, यहाँ देखें, यहाँ चार नंबर में मैंगो है। क्या जी, चार नंबर में मैंगो है। आई एम द किंग ऑफ द फ्रूट, मैं फलों का राजा हूँ। तो ये फलों का राजा आम यानी मैंगो होता है, और जो बॉक्स में चार नंबर में है, तो इसके सर्कल में हम लोग 4 नंबर कर देंगे। आप समझ में आ रही है आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम ए स्मॉल एंड शॉर्ट इन टेस्ट, मैं छोटी हूँ और टेस्ट यानी स्वाद में खट्टी हूँ। तो बच्चों, वो कौन सी है जो छोटी होती है और स्वाद में खट्टी होती है। तो स्वाद में खट्टी है और आकार में छोटी, वो आपको लेमन होती है। क्या होती है जी, लेमन। यहाँ 6 नंबर को गौर से आप देखेंगे, यहाँ लेमन लिखे हुए है, तो आप 6 नंबर को इसके सर्कल के अंदर में लिख देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू कीप ऑन ईटिंग मी एवरी डे, इफ यू कीप ऑन ईटिंग मी एवरी डे, अगर तुम प्रत्येक दिन मुझे भोजन में रखोगे यानी भोजन करोगे,
यू विल कीप द डॉक्टर अवे, तो तुम डॉक्टर से दूर रहोगे। बच्चों ये कौन सी चीज है जिसको आप भोजन के रूप में रोज लेंगे तो आप डॉक्टर से दूर यानी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसको एप्पल है जी, एप्पल अगर भोजन में रोज खाते हो तो आपकी लगभग बीमारी सब कंट्रोल रहती है। तो यहाँ एप्पल नहीं लिखेंगे, देखेंगे बॉक्स में एप्पल कहाँ है। एप्पल यहाँ देखो 8 नंबर में एप्पल है इस बॉक्स में, तो 8 नंबर यहाँ लिख देंगे सर्कल के अंदर। अब आगे देखते हैं, आई एम ए रेड फ्रूट विथ द सीड्स आउटसाइड। आई एम ए रेड फ्रूट, मैं लाल फल हूँ, विथ द सीड्स आउटसाइड, और बीज जो है सो आउटसाइड यानी बाहर लगे होते हैं। तो बच्चे एक ही फल है स्ट्रॉबेरी, जिसके जो लाल होते हैं और काफ़ी मीठे होते हैं, उसके बीज जो हैं फल के अंदर ना होकर के फल के बाहर लगे होते हैं, स्ट्रॉबेरी होते हैं। अब इस बॉक्स में आप देखिए स्ट्रॉबेरी कहाँ है, यहाँ देखेंगे आप 2 नंबर में स्ट्रॉबेरी है, तो इसके सर्कल के अंदर 2 नंबर कर देंगे। बच्चों ये फ्रूट्स के बारे में आपको यहाँ तक सीखना था, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे वेजिटेबल्स के बारे में कि सेंटेंस जो है क्या कह रहा है, किस सब्जी के तरफ इशारा कर रहा है, उन इशारा को समझ करके बच्चों आपको इस बॉक्स में से दे करके उस सब्जी की जो नंबरिंग है सर्कल में लिख देनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आई एम रैबिट फेवरेट फूड, आई एम रैबिट्स फेवरेट फूड, रैबिट्स के प्रिय भोजन फेवरेट फूड में क्या माने जाते हैं, रैबिट के फेवरेट फूड में क्या माने जाते हैं जी, आपको कैरोट यानी गाजर। तो यहाँ गाजर या कैरोट की नंबरिंग 7 है, तो सर्कल के अंदर 7 आ गई। आई हैव ए क्राउन ऑन माई हेड, आई हैव ए क्राउन ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर, यहाँ क्राउन माने होता है मुकुट, लेकिन यहाँ मुकुट ना होकर के यहाँ डंठल होगा। आई हैव ए क्राउन ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर डंठल होती है, क्राउन होती है। ये कौन सब्जी है, बैगन को देखे हो, बैगन यानी ब्रिंजाल, ब्रिंजाल के ऊपर एक डंठल लगी होती है। तो यहाँ देखो इस बॉक्स में हम देखते हैं कि बैगन है कहाँ, बैगन आप देखेंगे 1 नंबर पोटैटो है, 2 नंबर स्ट्रॉबेरी है, 3 नंबर कलीफ्लावर है, 4 नंबर मैंगो है, 5 नंबर लेडी फिंगर है, 6 नंबर लेमन है, 7 नंबर कैरेट है, 8 नंबर एप्पल है, 9 नंबर ब्रिंजाल है, यहाँ 9 लिखेंगे सर्कल के अंदर, ठीक है। इस बॉक्स में से खोज खोज के आपको लिखनी है, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लिखनी है। आई एम ए फ्लावर बट यू कैन ईट मी, आई एम ए फ्लावर, मैं एक फूल हूँ, बट यू कैन ईट मी, लेकिन तुम मुझे खा सकते हो। तो बच्चों सब्जी में कौन सा सब्जी फ्लावर फूल की तरह दिखता है जिसे हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, तो इस बॉक्स में देखेंगे 3 नंबर में आपको कली फ्लावर मिलेगा। कली फ्लावर माने क्या होता है, कली फ्लावर माने आपको होता है फूल गोभी, तो इसका नंबरिंग 3 है, यहाँ सर्कल के अंदर 3 नंबर हो जाएगा। आगे है, आई ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड हैव आईज, आई ग्रो अंडर द ग्राउंड, मैं धरती के अंदर उपजता हूँ, एंड हैव आईज, और मेरे पास आँखें हैं। तो वो कौन सी सब्जी है जो धरती के अंदर उपजता है जिसको आँख होती है, वो होता है पोटैटो। अब इस बॉक्स में पोटैटो देखें, 1 नंबर में ही आपका पोटैटो मिल गया, तो इसकी नंबरिंग सर्कल के अंदर आप 1 नंबर लिख देंगे। लास्ट है, आई एम थिन एंड पॉइंटेड लाइक योर फिंगर, आई एम थिन, थिन मैंने तो जानते हो पतला और पतली, आई एम थिन, मैं पतली हूँ, एंड और पॉइंटेड लाइक योर फिंगर, और तुम्हारे उंगली के तरह बिल्कुल हूँ। तो कौन सी सब्जी है जो पतली होती है और उंगली की तरह दिखाई देती है, उंगली की तरह लगती है, वो है लेडी फिंगर। आप यहाँ 5 नंबर में देखें लेडी फिंगर,
इसको आप सर्कल के अंदर पांच नंबर में लिख देंगे, ये लेडी फिंगर की तरफ इशारा करता है। बच्चों आज का जो लेक्चर वीडियो आपका 5 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस चैप्टर से हम लोग यहीं पढ़ेंगे, यहीं सीखेंगे, आप इसे रिवाइज करेंगे। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही।